नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले मंदिर का वीडियो जो गया था उस पर आप सबका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं लेकर के आ गई हूँ, उसमें मैं पूछी थी कि मैं कौन सा ईयर मना रही हूँ, मेरा गोल्डन जुबली है, सिल्वर जुबली है या कुछ और है। तो आज यहाँ पर मैं वही वीडियो आप सबके साथ लेकर के आई हूँ। यहाँ देखिए कितना अच्छा बच्चों ने सजावट करके रखी है मंदिर से आने के बाद। ये सब सरप्राइज़ जो है ना, ये लोग मतलब तैयारी करके रखे थे बच्चों ने ही ये पार्टी अरेंज की है। तो ये देखिएगा कैसा है ये पार्टी। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे पार्टी मनाया, आप ज़रूर दिखाइएगा। तो पार्टी का मैं यहाँ पे दिखाऊंगी और बताते भी जाऊंगी कि किस कारण से क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए तैयारी में सजावट देख लिया आप, उसके बाद ये देखिए ये सब मंगा के रखे हैं। यह है मफिन, दिख रहा है ना, बहुत ही यम्मी टेस्टी। और उसके बाद ये देखिए ये केक, ये देख सकते हैं है ना कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। सब ये लोग जो है ना खुद डिजाइन करके मंगवाए हैं, मतलब ऑर्डर दे करके बनवा के कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, इस फ्लेवर में उस फ्लेवर में। तो आगे मैं बताते जाऊंगी कि कैसा बना है। और ये कोई ऐसे नहीं है, मतलब कंपनी वगैरह से नहीं है, एक शॉप है जो बनाता है ऐसा, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर पर। तो आप लोग में से किसी को चाहिए तो ये ले सकते हैं, नंबर वगैरह मंगा सकते हैं आसपास के जो लोग होंगे उनके लिए। और ये बहुत ही अच्छा बना था, डेकोरेट जितना अच्छा हुआ है खाने में भी उतना ही टेस्टी बना हुआ था। तो ये तीन फ्लेवर में अलग अलग है ये, और मैं आगे बताऊंगी। ये देखिए ये वाला बीच वाला जो दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना, और खाने में भी अंदर से कुछ और इसमें डेकोरेशन निकलेगा, आपको दिखाऊँगी मैं आगे। और ये एक वेनीला है और एक स्ट्रॉबेरी, ये वेनीला है जो ये यहाँ पे स्काई ब्लू में दिख रहा है, उससे पहले जो दिखा वो है यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, तो उसका वही कलर है। और अंदर कुछ और निकलेगा इसमें, और ये सिर्फ चॉकलेट से बना हुआ है। तो ये तीन फ्लेवर का है, और ये मफिन है, एक और आगे है वो दिखाऊंगी मैं, वो कट करेंगे। मैं यहाँ पे मना रही हूँ पॉल ईयर, मोतियों वाला साल है ये, जो सिल्वर जुबली 25 साल में और 50 साल में गोल्डन, और बीच में जो 30 ईयर है उसमें होता है पॉल ईयर, मोतियों वाला साल होता है ये। तो मैं ये मना रही हूँ, बच्चों ने प्लान किया है ये सब, और देखिए कितना अच्छे से अरेंज किए हैं सब ये केक वगैरह। और उसके बाद इधर जो है डेकोरेट भी किए हैं बहुत अच्छा से, सब बच्चों ने किया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। तो ये सब जो यादें हैं कैद करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप सबके साथ भी शेयर कर दी मैं। और यहाँ देखिए दोनों मिल करके ये पहले काट रहे थे, इसमें छोटा छोटा मोती लगा हुआ है इस केक में, ये अलग से हस्बैंड जी लेके आए थे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें जो है आपको कट करके मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा नज़दीक से नहीं बन पाया क्योंकि स्टैंड में लगाए थे, सब लोग मिल के इंजॉय किए। तो बस इस पार्टी में हम चारों ही थे, दोनों बच्चे और हम दोनों, और बाकी लोगों को नहीं मतलब कि बुलाए थे इसलिए, क्योंकि यहाँ पे मना है गैदरिंग वगैरह ज़्यादा, मतलब कि भीड़ भाड़ करके आप नहीं मना सकते कुछ प्रोग्राम वगैरह इसीलिए। और ऑफिस में छोटी मोटी पार्टी हुई थी जो मैं बनाई थी, वो सब ऑफिस में ये लोग आपस में इंजॉय कर लिए थे। तो कई लोग पूछ रहे थे कि आप इतना सारा बनाए उसका पार्टी देखना चाहते हैं, तो पार्टी जो है हम लोग बस इतना ही अपनी फैमिली ही केवल मनाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला वो केक एक तो हो गया, और ये है। तो ये सब आप लोगों के लिए भी है, आप लोग जो है ना 1K करने का और मोनो होने का चैनल और कम्युनिटी मिलने का, ये सब का ये केक है और पार्टी है। आप सब लोग भी इंजॉय कीजिए इस केक और पार्टी को, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एक मैं काट करके यहाँ पे दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है, वो भी देखिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी सब बना हुआ था। और डेकोरेट भी इंजॉय भी खूब किए हम लोग। तो बहुत ज़्यादा मैं शेयर आपके साथ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जो है ना सब लोग नहीं, मतलब कि नहीं डाल सकती मैं कुछ है। और आप देखिएगा मैं अपना और अपने हस्बैंड का थोड़ा बहुत डाली हूँ, जो आप लोग इंजॉय कीजिएगा। तो ये देखिए ये दूसरा वाला ये फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा, और अंदर से मैं दिखाती हूँ कि कैसा डेकोरेशन है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से बना हुआ। और ये वाला है, इसको तो जो है हाथ से नहीं उठा सकते, ये चम्मच से ही, तो इसको भी कट कर लेते हैं पहले एक एक करके, ये तीनों कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा है अंदर से, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, सब चीज़ अच्छा है। तो आशा है आप लोग इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को,
और आप लोगों का भी जो है ना पॉल डे पॉल ईयर आने वाला होगा, मोतियों वाला साल, तो ज़रूर मनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। कई बार जो है ना सिल्वर जुबली मिस हो जाता है तो बहुत लंबा टाइम इंतजार करना पड़ता है 50 के लिए, 50 तक बहुत समय होता है, तो आप बीच में 30 ईयर ज़रूर मना लीजिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा यादें रहेगा। और ये देखिए इसमें से अंदर जो है ना ये सतरंगा क्या बोलते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा कलर रेनबो कलर बना हुआ था, 7 कलर से अंदर डेकोरेट किया था केक। नज़दीक से आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा देखने में भी था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनाया था, बहुत ही बढ़िया अच्छा शॉप है और अच्छा बनाते हैं केक। और यहाँ देखिए सबका जो है ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए, सब बहुत बढ़िया ऐसे करके दिखा रहे हैं, और ये देखिए कैसे बना रहे हैं उंगली को जानबूझ करके। और यहाँ ये मफिन है तो मफिन भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी टेस्ट कराते हैं, तो सब एक एक करके सारा टेस्ट किए। उसके बाद आगे भी बने रहिएगा और भी कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह क्या दिए हैं मुझे ये भी देखिएगा, और आप लोग ये गेस करके बताइएगा कि हम दोनों का लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, ज़रूर गेस कीजिएगा और बताइएगा। तो शादी से पहले हम लोग मिले थे क्या, ये भी बताइएगा और देखिएगा कि कैसा है ये आगे का वीडियो, आगे भी देखिएगा हम दोनों ने एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिया। थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी किए थे लेकिन मैं इतना शेयर नहीं कर पाई हूँ, मुझे इतना थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं लग रहा है, धीरे धीरे मैं कभी शेयर करूँगी। और भी जो है ना आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा, आगे कभी दोनों लोग मिलके कुछ डांस वगैरह करेंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अभी बच्चों के साथ किए थे तो बच्चे शामिल नहीं होना चाहते, तो इसलिए मैं जो है शेयर नहीं की हूँ, बस अपना मेमोरी में रखी हूँ। और थोड़ा बहुत जो आपके साथ शेयर कर सकती थी वो मैं शेयर की। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को केक खिलाए, तो ये सब बच्चे इंजॉय करवाए हैं और बच्चे भी साथ में इंजॉय किए हैं, लेकिन उनको उनका मैं इसमें नहीं डाली हूँ। और ये देखिए केक कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, रेनबो कलर बिल्कुल 7 रंग से इसमें बना हुआ है, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए मैं नज़दीक से ऐसे उठा करके आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो फोटोग्राफी ये सब जो है ना यहाँ पे किए बनाए और बस यही सब इन्जॉय किए। और आगे गिफ्ट वाला भी देख लीजिएगा ज़रूर से, और ये दूसरा वाला देखिए है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे तो सबसे अच्छा फ्लेवर ये वाला लगा, ये सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से बना हुआ है, 2-3 कलर चॉकलेट का ही थोड़ा सा लाइट डार्क करके वो कर दिया है। तो ये वाला मैं लास्ट तक आप लोगों को भी इंजॉय करा रही हूँ, तो मोनो के लिए आप सबके लिए है ये केक, लीजिए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आप लोगों की तरफ से मैं ये केक खा ले रही हूँ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप लोग आसपास के हैं तो ज़रूर नंबर मैं डाल दूंगी, आप लोग जो मांगेंगे तो मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग ले सकते हैं, या हो सकता है कई लोग मंगवाते भी होंगे वहाँ से, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो फर्स्ट टाइम मंगवाई हूँ वहाँ से, जिस शॉप से मंगवाई अभी, तो अच्छा लगा। और ये देखिए हस्बैंड जी क्या दिए मुझे, आप देख सकते हैं ये गिफ्ट है ना, गुलाब, गुलाब का फूल, यही मेरा गिफ्ट है, तो मैं तो एकदम गदगद हो गई। और ये देखिए फूल यहाँ पे जो है बालों में लगा रहे हैं, तो आप लोग इंजॉय कीजिए इसको। और देखिए तो यही गिफ्ट है, ये गिफ्ट तो सबसे बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए है ना। बाकी चीज़ तो जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से खरीदते ही रहते हैं हम लोग पसंद से, लेकिन ये सब जो है बहुत ही अच्छी मीठी यादें होती हैं, तो बालों में लगा दिए ये आखिर में। और यहाँ देखिए हम लोग कुछ गेम भी खिलवाए थे बच्चे कुछ, तो मैं छोटा सा यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे दिल एक्सचेंज करने का छोटा सा ये हुआ है, देखिए एक दूसरे को देंगे और लेंगे। और जो है गुलाब देने का मेरी भी बारी है, तो मेरा भी देने का आएगा अभी, आगे मैं दूंगी, अब बने रहिएगा और देखिएगा। मैंने मुझे तो दे दिए गुलाब, अब मैं भी दूंगी। और यहाँ देखिए एक दूसरे से थोड़ा सा हुआ, और उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ कि आगे गुलाब भी मतलब मैं भी दूंगी वो कैसा है। तो ये देखिए और ये देखिए मैं भी दी, तो ये जो है ये देखिए तो बस यही है, हम लोग इंजॉय किए छोटी मोटी पार्टी ऐसे ही
इसी को मैं बोल रही थी धमाकेदार, क्योंकि मेरे लिए तो धमाकेदार ही है। मैं ये सब शेयर करने के लिए सोच रही थी हस्बैंड जी आएंगे कि नहीं, लेकिन वो आ गए, एग्री हो गए, मान गए, तो मैं फिर इसमें डाल दी हूँ, आप सबके साथ शेयर कर दी हूँ। तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए रेसिपी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।